हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी दैट इज मैगी चीज स्टिक्स। तो चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट करते हैं। मैगी चीज स्टिक्स बनाने के लिए हमें चाहिए मैगी 2 पैकेट्स, प्रोसेस्ड चीज 1 कप, 2 टीस्पून बटर, फ्रेश कोरिएंडर जिसे हमने फाइनली चॉप कर लिया है, चिली फ्लेक्स 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून चाट मसाला एंड 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो। मैगी चीज स्टिक्स बनाने के लिए सबसे पहले हम मैगी को बॉईल कर देंगे। उसके लिए हमने यहाँ पे 3 कप्स ऑफ वाटर को पहले से ही बॉईल कर लिया है। हमने 2 मैगी के पैकेट लिए हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 3 कप्स ऑफ वाटर लिया है। हल्का सा मैगी को तोड़ के अंदर डाल देंगे। मैगी ऐड करने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मैगी मसाला या मैगी टेस्ट मेकर और अच्छे से सब चीजों को मिक्स कर लेंगे और तब तक कुक करेंगे जब तक सारा पानी जो है वो एकदम अच्छे से सूख ना जाए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं अच्छे से बॉईल आना स्टार्ट हो गया है मैगी में, तो हम बाकी इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स कर लेंगे। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे बटर। यहाँ पे हमने 2-3 टीस्पून बटर लिया है, उसको हम मैगी में डाल देंगे और मिक्स कर लेंगे ताकि जो बटर है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। फिर हम इसमें ऐड करेंगे ऑरिगेनो। यहाँ पे हमने 1/2 टीस्पून ऑरिगेनो डाला है, आप ज्यादा भी इसमें डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स एंड 1/2 टीस्पून चाट मसाला थोड़ा एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए। सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मैगी को हाई फ्लेम पे कुक होने देंगे ताकि जो भी वाटर है वो इवेपोरेट हो जाए और मैगी एकदम अच्छे से कुक हो जाए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं जो पानी है वो सारा इवेपोरेट हो गया है और मैगी एकदम अच्छे से कुक हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे चॉप कोरिएंडर और उसे भी हम इसमें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे कुछ सेकंड्स के लिए और कुक कर लेंगे ताकि एकदम अच्छे से मैगी जो है वो ड्राई हो जाए। हमें बिल्कुल भी एक्स्ट्रा पानी नहीं चाहिए मैगी में, एकदम इसे अच्छे से सुखा लेना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैगी जो है एकदम रेडी हो गई है। अब हम गैस को ऑफ कर देंगे और फिर हम इसमें डालेंगे प्रोसेस्ड चीज, हम या फिर आप इसमें मोजरेला चीज भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने अराउंड 3/4 to 1 कप चीज लिया है, वो हम इसमें मिक्स कर देंगे। और आप ये ध्यान रखें कि गैस ऑफ करके ही चीज को इसमें डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। चीज मिक्स करने के बाद मैगी जो है वो एकदम रेडी है। अब हम इसे एक कंटेनर में ट्रांसफर कर लेंगे। हमने यहाँ पे एक ग्लास कंटेनर लिया है और उसे फॉइल से कवर कर दिया है और अब हम जो मैगी हमने रेडी करी है वो सब इसमें डाल देंगे और मैगी को फिर एकदम अच्छे से इवनली स्प्रेड कर लेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं मैगी एकदम अच्छे से स्प्रेड कर लिए हमने। अब हम इसे एटलीस्ट 1 आवर के लिए इसे फ्रीजर में रखेंगे और फिर इसे कट करके फ्राई करेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं हमने मैगी को 1 घंटे के लिए फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए रख दिया था और ये एकदम अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम मैगी को कंटेनर में से बाहर निकाल लेंगे और फिर हम इसे कट करके फ्राई करेंगे। इसे फॉइल से भी हम निकाल लेंगे बाहर। और फिर हम इसे एकदम इक्वल साइजेस में फिंगर शेप में कट कर लेंगे। बहुत ज्यादा थिक नहीं रखने हैं फिंगर्स, थोड़े पतले पतले हम इसे एकदम इक्वल साइज में कट कर लेंगे और फिर एक बार इसे बीच में से भी कट कर देंगे। अच्छे से कट कर लिए हैं हमने सबको। अब हम इसे एक एक करके रिफाइंड फ्लावर से कोट कर देंगे हल्का हल्का ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये अच्छे से फ्राई हो जाए और टूटे नहीं बीच में से। ऐसे ही सब सारी स्टिक्स को हम कोट कर लेंगे।
हल्का सा ही कोट करना है मैदे में और फिर हम इसे फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर ऑयल को एकदम अच्छे से हीट कर लिया है और फिर एक एक करके जो भी हमने मैगी के स्टिक्स को कोट किया है वो इसमें डालते जाएंगे। एकदम हाई फ्लेम पर हम इसे फ्राई होने देंगे। 2 से 3 मिनट लगेंगे इन्हें फ्राई होने में, जब तक ये थोड़े गोल्डन ब्राउन कलर के नहीं हो जाते। जैसे ही ये थोड़े क्रिस्पी हो जाएंगे हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये एकदम अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के हो गए हैं और एकदम क्रिस्पी भी हो गए हैं। अब हम इन्हें बाहर निकाल लेंगे एक पेपर टॉवल पे और फिर इन्हें गर्मा गर्म सर्व करेंगे।